खबर दानापुर के फुलवारी शरीफ से है, जहां फुलवारी शरीफ एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने संवाददाता सम्मेलन कर एक ऐसे मन चले आर्मी के जवान के बारे में खुलासा किया है जो शराब के नशे में फायरिंग करता था और ग्रामीणों को डराता भी था। बीती रात्रि हरनिचक शिव मंदिर के पास सेना के टैंक चलाने वाला आर्मी चंचल ओझा अचानक फायरिंग करने लगा, जिससे एक गोली बगल के रिटायर्ड दरोगा अजीत कुमार सिंह के घर में भी जा लगी और खिड़की को चीरता हुआ दीवार को भी चेक कर दिया। उस समय अनिल कुमार सिंह बिस्तर पर लेटे हुए थे। गोली की आवाज सुनकर उनका पूरा परिवार डर गया और आसपास के मोहल्ले वाले भी काफी डर गए। घटना के बाद पुलिस को जब सूचना किया गया तो बेऊर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर फायरिंग करने वाले चंचल ओझा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब उसके घर की तलाशी ली गई तो उसके घर से दो देशी कट्टा, एक रिवॉल्वर, एक DBBL गन, 90 जिंदा कारतूस और 44 खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि आर्मी जवान चंचल ओझा वर्तमान में अमरनाथ में पदस्थापित है। हुआ कि 10:30 बज रहा था रात, हमको ऑपरेशन हुआ है, हम इसी में आराम कर रहे थे, एकाएक फायर हुआ तो देखे रे इस छेद करते हुए इसमें आया है, दीवार में लगा है। तो हम हल्ला किए तो सब परिवार जुटा, गोली देख रहा हम कहे तो गोली मिला। फिर हम तुरंत पुलिस को फोन किए, बेऊर थाना को, बेऊर थाना बेचारा तत्काल आया, घर कहा कि बताइए तो लेकर घर बता दिया। उसके यहाँ बहुत अच्छा ढंग से छापामारी किया तो सैकड़ों राउंड गोली और 2-3 कंट्रीमेंट रिवॉल्वर नागालैंड या कश्मीर का राइफल मिला और पुलिस एक झोला सब कारतूस उतूस ले करके थाना चली गई। तरह तरह का गोली था, 315 का, .303 का। कौन चलाया था? और जब भी छुट्टी में आता चंचल ओझा, क्या है वो? वो आर्मी का रिटायर है कि है, गुप्त सूत्रों से पता चला है, क्योंकि हम पुलिस डिपार्टमेंट के अवर निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं, हम गुप्त पता लगाया तो पता चला कि ये सप्लाई करता है गन और बंदूक का। कल रात को बेऊर थाने को लोगों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने घर से इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कर रहा है। इसके बाद सूचना के सत्यापन में हम लोग की थाना की टीम थानाध्यक्ष के नेतृत्व में वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद एक घर की ओर लोगों ने इशारा करके बताया कि इसी घर से फायरिंग हुई है और जिस घर के लोगों ने कंप्लेन किया था उन्होंने अपने दीवार पर फायरिंग का निशान भी दिखाया। उसके बाद उस घर की चारों तरफ से घेराबंदी करते हुए स्थानीय पुलिस ने उस घर की घर का सर्च स्टार्ट किया तो आश्चर्यजनक तरीके से वहाँ पे एक DBBL गन, एक पिस्टल, रिवॉल्वर और 2 देसी कट्टा और साथ में ऐसे बोर के अमुनेशन जो प्रॉफिटेड हैं वो प्राप्त हुए, जो हमें पूरी जो सर्च में हमें प्राप्त हुआ है उसमें कुल 3.315 के 2 कारतूस, 12 बोर के 72 कारतूस, 0.32 के 64, 0.303 के 2, 0.315 के 1 और गोली का एक पिलेट प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ जो रिवॉल्वर गन को क्लीन करने का रॉड होता है, गन क्लीनिंग रॉड, वो प्राप्त हुआ और एक ऐसा कारतूस प्राप्त हुआ जिसमें कांटी लगा हुआ था। तो जो आदमी नहीं जानता है उसको लगेगा कि ये ग्रेनेड के रूप में यूज़ हो सकता है, इसलिए कि रात में हम लोग को जो सूचना प्राप्त हुई कि ग्रेनेड प्राप्त हुआ है, लेकिन वस्तुतः वो एक कारतूस में कांटी डाला गया था, दूसरे को एक तरह जिस तरह से डमी बनाया जाता है, दूसरे को या तो भय में डालने के लिए, दूसरे को बेवकूफ़।